कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या दुनिया भर में अब तक करीब 40,000 हो चुकी है, जिसमें चीन में ही कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 900 पार पहुंच चुकी है। वहीं सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर कई बातें सामने आ रही है, जिसमें नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को लोग सबसे ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के अनुसार फ्रांस में जन्मे भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने करीब 465 साल पहले ही कोरोना वायरस की भविष्यवाणी कर दी थी। उसके अलावा ट्विटर पर भी एक यूजर ने लिखा कि दुनिया भर में बाढ़, आग और कोरोना वायरस का कहर वही संकट है जिसकी 465 साल पहले नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी। एक यूजर का दावा है कि नास्त्रेदमस ने 15वीं शताब्दी में अपने भविष्यवाणी में एक भयंकर महामारी के फैलने की आशंका जताई थी, कोरोना वायरस वही है। बता दें कि नास्त्रेदमस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज साल 2020 को लेकर आज से तकरीबन 500 साल पहले ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें 2020 को सबसे ज़्यादा तबाही का साल बताया है। नास्त्रेदमस ने ऐसी कई भविष्यवाणियां की जो सच हुई है। ऐसे में 2020 को लेकर और भी कई बातें उन्होंने बताई, जिसके मुताबिक इस साल कई देशों के बीच टकराव बढ़ने और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.